बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, निकाह सेरेमनी मिस्टर एंड मिसेज मोहम्मद अफजल भट्ट, जो कि अपने वालिद साहब हैं और साथ अपनी वालिदा। एक मिनट, क्या है ये आपके निकाह का कान है? जी बिल्कुल, मैं आपको फर्स्ट कोट गोल्डन ट्राई करवाता हूँ, जबकि जो फैमिली है वो देखती रहे, ठीक है? और बताए, हाँ स्क्रीनशॉट आपने ले लेने और आपने बताना है कि हाँ जी मेरी किस्मत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। एक ये ऑप्शन आ गई। यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल सीन हो रहा है। मामा जी मामा नो शुक्रिया रजब फैमिली, शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह 300K आज की डेट में टच कर रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि आज चंदा बुध है घर पे, तस्बीह भी अम्मा ने रखी हुई थी, तो अभी चेक किया, पता तो था कि 300K होने वाले हैं, लेकिन वो आज सुबह ही हो गए और इस तरफ तस्बीह हो रही है, इस तरफ 300K की खुशी है। इंशाल्लाह सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन आपको पता है कि थोड़ी देर तक अभी मसरूफियात है। मसरूफियात क्या है, सर पे निकाह आया हुआ है और काम शाम कल से उसके स्टार्ट किए हुए। आज हमने जाना है डिज़ाइनर को फिटिंग देने। डिज़ाइनर कल फ़ोन इसलिए नहीं उठा रहा था, उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, रात को उसका मैसेज आया था, तो अभी हमने कोई 4:30-5 बजे वहाँ भी जाना है। अम्मा के पास भी चलते हैं, जाके देखते हैं अम्मा ने क्या खाने में बनाया है। अम्मा भूली बैठी थी कि आज चंदा बुध है, क्योंकि मसरूफियात इतनी थी, रात को 3-3 बजे 4-4 बजे शादी से वापस आ रहे थे। तो वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह की कसम दिल से खुशी होती है जब आप कुछ मेहनत करते हैं और उसका रिवॉर्ड मिलता है ना। जैसे मैंने मेहनत की, मैं रेगुलर रहा, मैंने कैसे कैसे कंटेंट अरेंज किया, आई नो सिर्फ मैं जानता हूँ या मेरा अल्लाह जानता है, और आप लोगों ने उस चीज़ को अप्रिशिएट किया, आप लोगों ने उसको प्यार दिया, और आज 300K हमारी फैमिली हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम 300K टच कर रहे हैं, तो ना अच्छा लगता है, अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ भाई मेहनत की है, रिवॉर्ड मिला। अच्छा जी, एक शिकायत है। शिकायत यह है कि रात को YouTube के मैं एनालिटिक्स चेक कर रहा था, अभी भी हमारी जो आवाम है 47% है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो सोचो 300K हो गए हैं सब्सक्राइबर्स के, ठीक है? अगर जो अनसब्सक्राइब बैठे हैं लेकिन व्लॉग देखते हैं, रेगुलर बेस पे देखते हैं, सब्सक्राइब करना भूले हुए हैं, वो भी सब्सक्राइब कर लें, तो हम 600K या 700K टच कर दें, क्या बात है, आपके भाई की खुशी दोबाली हो जाएगी। तो अगर आप मेरा भाई चैनल सब्सक्राइब करना भूले हुए हैं या आप हमारे चैनल पे नए आए हैं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद व्लॉग का मजा लूटें। आइए, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। अल्लाह माफ करे, अल्लाह मैंने कॉपी ना कराया हो जाए स्टाइल। किधर तुम सुबह सुबह आ गई हो, अभी तो 3 बजे सिर्फ। मैं अपनी अम्मा को कुछ सामान देने आई हूँ और आपका 300K हो गया, उसकी खुशी। यार बहन हो तो ऐसी, चेक करो अभी 300K हुआ और वो पहुँच भी गई है। यार मैं बहुत अखीर हूँ यार, क्या बात है। तेरा मैं व्लॉग देखता हूँ, यकीन कर मुझे नींद आ रही हो, फिर तेरा व्लॉग देखता हूँ ऐसे दस्ती नींद आती है। खुश रहो, आबाद रहो। ये क्या है, क्या जुड़ी बिस्तरा ले आई हो? यार ये ना सऊदीया से मेरे कल जो है ना सामान आया, जिसमें ड्राई फ्रूट है और खजूर है। ड्राई फ्रूट आया? हाँ। पागल औरत, कल मैंने 10 से 10 एडा महंगा ड्राई फ्रूट लाया हूँ। नहीं, ये मैं अपनी खास अम्मा के लिए लेके आई हूँ। तो तेरा तो गेम बच जाना पड़े। मैं आपको मुबारक देने आई हूँ, आप तो उधर भी जा रहे हैं, ईरान भी जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ईरान जा रहा हूँ, उसके बाद एक और जगह जा रहा हूँ, वो पहले मैं ईरान से होके आ जाऊँ, अगले 5-7 दिन बाद फिर निकल जाना है, वो भी बताऊंगा कहाँ जा रहा हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह खैर से जाए, हमारे लिए भी दुआ करिएगा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा और मेरी गर्ल फ्रेंड खोल के बाहर, ड्रामे ना कर मम्मा। यार मम्मा देख, मम्मा खा लेंगे, मुझे दिखा दो क्या हो गया यार, इतनी मेरी इमेज पता नहीं क्यों बुरी है, मेरी समझ से बाहर है, इतना खाता नहीं हूँ मैं। दिखाओ जरा, लाई क्या खजूर, खजूर तो नहीं ले आई, सिर्फ देखा है, मैंने पता नहीं खजूर ही ले आएगी ड्राई फ्रूट के नाम पे। यार तू पागल औरत, मैंने कल 10 बैठा महंगा ड्राई फ्रूट कल लेके आया, मैं ना लेके आवा, ये जी काजू आ गए, थैंक यू। ओ यार गुड औरत, यू आर अ गुड औरत, थैंक यू मेरे काके, थैंक यू। और कुछ है? अच्छा चलो थैंक यू, ये रख दो, मैं जरा रात को ना सर्दियों की रातों में। अच्छा जी, आज से कोई 1.5 साल पहले जब व्लॉगिंग नाम की चीज़ मेरी जिंदगी में नहीं थी ना, तो सर्दियों की रातों में आपके भाई ने कंबल कुंबल लेके ये बैठ के नेटफ्लिक्स देखना, कॉफ़ी रख लेनी, साथ ड्राई फ्रूट खाना, हूँ तो 4:30-4:45 बज जाते ने, एडिटिंग उडिटिंग की कर दे, क्या कॉफ़ी और क्या नट्स। अंदर चलते हैं, अम्मा से जाके पूछते हैं क्या हिसाब था, फिर हमने निकलना भी है, डिज़ाइनर के पास भी जाना। चलो मम्मा जी, अस्सलाम वालेकुम। मम्मा हो गया आपका, क्या था आज? मैं मूसा करूँ इस्लाम की 10वीं 7वीं मांग, और हमारे 300K भी पूरे हो गए। अच्छा मौला तेरी खैर करे। क्या बनाया खाने में?
मैंने आज ना बिरयानी से बनाई थी मसाले वाला, तो इतना उम करके क्यों बोल रहे? मैं तीन चार चीजें बनाती हूँ, थकी शादी की वजह से। बताओ जरा हुआ क्या आपके साथ, कब पता लगा आपको चंदा बुद्धा? मुझको सबसे रात को इसलिए मैं इतना थके हुए आए, कवाली नाइट, फिर वो शादी की मसरूफियात, रात को तीन तीन बजे चार चार बजे घर आ रहे। क्या बर्तन भी उधर ही है, बर्तन भी सारे वहीं पे पड़े हुए हैं, और अम्मा भूल गई थी आज चंदा बुद्ध है, तो जितनी जल्दी जल्दी जो कुछ हो सकता था वो कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है टिकटॉक को चेक ते कराओ, एक अद्धी खजूर सरकार ट्राई ते कर लईए। अबे आ पुत्र खा ला, अफाड़ तू खा ला, मेरे भी ढिड च दर्द होना, भी खा ला खा ला। एंड जिस तरह तू देख रहा मेरे पेट में दर्द होने की, खा लो बेटा, आप भी ले लो। थैंक यू। ओके भाई, लेडीज जा चुकी हैं और आमना और मैं भी बैठ गए हैं, खाना खा लेते हैं, खाना खा के फिर निकलते हैं डिजाइनर के पास। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नजर आए शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खाना शाना खा लिया। चलो मामा जी फिटिंग दे हैं यार, डिजाइनर को टाइम हो गया, चार बज गए, पांच बजे पहुंचना उसके पास। मामा वैसे खुदा की कसम मेरे निकाह की किसी को एक्साइटमेंट नहीं है, सारे काम मैं खुद कर रहा हूँ, और अब फिटिंग देने जाना है तो मैं अकेला चला जाऊँ। तेरे पापा को बहुत एक्साइटमेंट क्यों हो सकती है, कुछ काम बंदा कर भी लेना बाहर जाकर। अच्छा, अगर लेके जाएगा तो जूती कौन लूंगी? क्या लोगे? जूती लूंगी, जूती मैं चला जाऊंगा, मुझे आता रहा डिजाइनर का। जाने से पहले हैदर को सास ले, मेरे बच्चे को फिर जाए मेरा बच्चा। हैदर को भी करते हैं और निकलते हैं। चलो जी ओके, आमना अल्लाह हाफिज। हेलो, ओए ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा भाई हैदर को फोन कर दिया, हैदर को भी कर लेते हैं। दूसरा काम जो हमने करना है फिटिंग्स देने के अलावा, एक और काम हमने आज की डेट में करना है। हम दो दो काम कर रहे हैं डेली के भाई, कल भी दो काम किए थे, आज भी दो काम करेंगे। दूसरा काम है कार्ड्स बनवाने हैं, कार्ड्स का प्रिंट बनवाना है, क्योंकि एक स्वीट गेस्चर होता है, एटिकेट्स होते हैं, कार्ड देना पड़ता है मैसेजेस पे, कॉल पे। हमने इनविटेशन तो दे दिया हुआ, सबको ही पता है कि इस डेट को है सारा कुछ, लेकिन कार्ड एक जरा पता ना फिर अच्छा लगता है। तो खैर हमने कार्ड बनवाने हैं, वो गत्ते वाले कार्ड नहीं, पीडीएफ के अंदर डिजाइन करवाने हैं। कुछ आइडिया नहीं आ रहा किस तरह का बनवाना है, जाके उसी से पूछेंगे डिजाइनर से, हमें कोई डिजाइन जो है सजेस्ट कर देगा। कार्ड बनवाते हैं और देखते हैं क्या सिलेक्ट होता है, वैसे भी हर बंदा व्हाट्सएप यूज करता है। कार्ड बनवा के पीडीएफ अपने पास रख लेंगे और जिस जिसको हमने इन्वाइट करना है सबको वो पीडीएफ फॉरवर्ड कर देंगे। ओ आए मेरा दोस्त आया, वालेकुम सलाम, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। केड़ा दूल्हा, अभी बड़ा टाइम है। ओ दूल्हा नहीं, चलो निकाह तो हो रहा है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और भाई जी आपको 300 के की बहुत बहुत मुबारक। ओ माय शट के, माय शट के 300 के हो गया भजन अपने, आपको भी बहुत मुबारक हो। आपको बहुत ज्यादा मुबारक हो, आप भी रजत फैमिली के साथ साथ ही हैं, जहाँ पर मेहनत, अगर मैंने मेहनत की है तो आपने मेरे साथ मेहनत की है। थैंक यू मेरी जान, मिलके मेहनत की है, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी क्या सोचा फिर, क्या पहन रहे हो भाई? यार मैं सोच रहा हूँ कुछ ट्रेंड चेंज करें। अच्छा, ट्रेंड चेंज करें, हर बंदा ही कुल्ला पहनता है, हर बंदा शेरवानी पहनता है, प्रिंस कोट पहनते हैं, शलवार कमीज पर वेस्ट कोट पहनते हैं। मैं कुछ चेंज करना चाह रहा हूँ। क्या चेंज करोगे? मैं सोच रहा हूँ कुछ खुला सा ट्राउजर, खुली सी टी शर्ट बैगी में, रहने दो कंफर्टेबल। वो तो आपने वैसे ही पहना होता है भाई, पता क्या बात है, निकाह के ऊपर अब वो टाइट कपड़े पहन के ना हाथ ऊपर जाता है, अजीब अनकंफर्टेबल रहता हूँ मैं। कोई नहीं, थोड़े एक दिन के लिए पहन लेना, देखते हैं जा रहे हैं, डिजाइनर साहब बताएंगे क्या पहनना क्या नहीं पहनना, आपका भी देखते हैं मेरा भी देखते हैं। अच्छा जी शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं जी, हमारे जो डिजाइनर साहब हैं उनके स्टूडियो, स्टूडियो क्या घर पे ही है, उनके घर के अंदर ही स्टूडियो बना हुआ, अंदर चलते हैं जाके देखते हैं क्या सीन पार्ट है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्लाह भाई, हमारे सलमान भाई तबीयत से ठीक जी शुक्र अल्लाह। और हम जो अपने ड्रेस है, पहले मैं बता दूं कि मैं आया हूं अपने भाई के रेफरेंस से, जुल्करनैन के रेफरेंस से। मैं डिजाइनर देख रहा था एक दो और, क्योंकि स्पेशल डे है भाई, चीज भी स्पेशल होनी चाहिए, फर्स्ट टाइम है निकाह, आप जिसने पहले किया होगा वो अच्छा बता देगा। तो जुल्करनैन और मेरी बहन कंवल, उन्होंने अपने सारे ड्रेसेस इन्हीं भाई से करवाए थे, उन्होंने कहा कि जी आप यहाँ पर जाएं, मैंने कहा जी आपने कह दिया तो मैं जा रहा हूँ बस। ये नाम है जी ब्रांड का भाई, क्या नाम है? कमाश, कमाश के नाम से ब्रांड है। और भाई इतने ज्यादा सोशल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने वैसे ही उनका जो निज़ाम है ना वो चलाया हुआ है, तो मैंने वैसे टाइम मांगा, अब आ गए हैं भाई के स्टूडियो, यहीं पे सारी फैक्ट्री उनकी, सारा काम शाम, और ये रहा भाई का स्टूडियो। भाई क्या ट्राई करवाएंगे, क्या सोचा आपने? मैंने आपके लिए दो तीन ऑप्शंस जो है ना वो सोच के रखे हुए हैं, ठीक है, और मैं आपको अगले 5 मिनट में ट्राई करवाऊंगा, ठीक है भाई। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं इधर रखूंगा कि जो हम फाइनल करें। हाँ इंशाल्लाह हम ट्राई कर लेते हैं, आप सब ने कमेंट्स में बताना है कि भाई क्या सूट कर रहा है, मैं आपको हर चीज ट्राई करके दिखाता हूँ। तीन चार पांच ऑप्शन जो भाई ने निकाली है सलमान भाई ने, वो हम ट्राई कर लेते हैं, आपने बताना है कि कौन सा सूट कर रहा है कौन सा नहीं, फिर जो फाइनल होगा वो आपको निकाह वाले दिन नजर आएगा। भाई मेरा ख्याल है विदाउट वेस्टिंग टाइम ट्राई करें। मेरे एक दो क्वेश्चन है, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि व्हाट्स योर फेवरेट कलर इफ यू थिंक अबाउट निकाह, अदर देन थोड़ा सा गोल्डन, थोड़ा सा ऑफ व्हाइट टाइप ना, बिल्कुल व्हाइट नहीं,
और बिल्कुल ऑफ व्हाइट नहीं, थोड़ा सा ब्राइडल की ड्रेस के कलर के अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ग्रीनिश ग्रीनिश टाइप है उनका भी ना जी, ठीक है। आपने मतलब 70-30 हम मैक्सिमम रखेंगे जी जी जी, और हम कोशिश करेंगे कि बहुत ज्यादा भी सेल ओवर नहीं हो, क्योंकि अभी निकाह है तो शादी का भी हमने करना है। अगर अभी हम वो सारा क्यों भाई लाइट सा हो, अगर अभी कर लेंगे पूरा ओवर जाके तो फिर आगे शादी भी क्या करेंगे, ठीक है नॉर्मल रख के ट्राई करते हैं, देखते हैं फिर क्या निकलता है। थैंक यू भाई। तो व्हाइट शुड बी द कुर्ता, दैट्स फॉर श्योर। ये हमने ट्राई के लिए जो है पहन लिया, थोड़ा सा लाइट है, ऑब्वियस बात है डिजाइनर फिट है तो आपके मसल्स वगैरह सारे प्रोमिनेंट होंगे, इसीलिए डिजाइनर के पास जाया जाता है। आप रेडीमेड कहीं भी जाके ले लें भाई, 10 ब्रांड्स हैं ठीक है, लेकिन आपकी फिटिंग उस तरह की नहीं आती। एग्जैक्टली exactly. बहुत कंफर्टेबल है ये, राव सिल्क एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक पे और हम अभी जो फाइनल जो डिजाइन होगा वो हम बाद में डिसाइड, वो बाद में बनाएंगे उसको। अब उसको हम प्लेन रखते हैं या हम एम्ब्रॉयडर्ड रखते हैं, विल डिसाइड अभी इसे करना जी। बिल्कुल, मैं आपको फर्स्ट कोट गोल्डन ट्राई करवाता हूँ, जबकि जो फैमिली है वो देखती रहे ठीक है, और बताएं हाँ स्क्रीनशॉट आपने ले लेने हैं और आपने बताना है कि हाँ जी भाई किस में ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। ये ऑप्शन आ गई, अच्छा उठा लीजिए। आप जो है नीचे ये क्या, सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला बटन छोड़ के आप बंद करें बटन, सबसे ऊपर वाला हाँ जी छोड़ के, ये छोड़ के बाकी बंद कर लो जी। अच्छा ये नीचे जो जीन्स है ना, ये ना समझ लेना जीन्स ही पहनूंगा नीचे, नीचे ट्राउजर होगा, क्योंकि ट्राउजर वगैरह जो है वो होगा ऑब्वियस बात है। अभी मैंने कहा चलो ये जीन्स ही काम चला लेते हैं, ये भाई ऊपर वाला नीचे वाला छोड़ दिया जी, ठीक है जी। ये भी कॉम्बिनेशन अच्छा है एज फार एज फॉर निकाह, ठीक है, क्योंकि निकाह के अंदर बड़ा डिसेंट सा ना सोफिस्टिकेशन आती है इसमें, सो आई थिंक इट्स अ गुड चॉइस। एक ये आ गया जी बच्चा फैमिली, देख लें अब और मैं आपको कैसे अपने साथ लिंक्ड रखूं, एक एक चीज मैं दिखाऊं आपको ठीक है। एक ये आ गया ऑप्शन भाई ठीक है, और ऑप्शन भी आ गया, दूसरी ट्राई करते हैं। ये भी बहुत डिसेंट कलर है, मेहरून के साथ आ गया प्रिंस कोट जी। अच्छा भाई ये जो नीचे हमने कुर्ता पहना हुआ है यही कलर चल जाएगा मेरा ख्याल है ना, ये सब पे उसको हम रखेंगे सेम। हाँ इसके अंदर हम सेम कलर में भी जा सकते हैं अगर कुर्ता मेरून। अच्छा ये थोड़ा सा टाइट है, बटन्स नहीं बंद होंगे इसके, इसको आप लोग वैसे ही देख लें। ये सेकंड ऑप्शन आ गई, कुर्ता यही चल जाएगा और ऊपर ये मेहरून कलर आ, थोड़ी डार्क लुक बन गई। हाँ ठीक है भाई, और देखिए तीसरा जी बिल्कुल। अच्छा जी प्रिंस कोट ट्राई तो कर लिए ट्राई, अभी वेस्ट कोट देख लेते हैं ना, क्योंकि सारी वैरायटी आपने ट्राई की हो तो बेहतर रहता है आपको, जरा ये कलर आपके बहुत सिलेक्ट, ये कलर अच्छा लग रहा है, करने में आसानी रहती है कि क्या पहनना और क्या नहीं पहनना। फॉर एन आइडिया जी, एक बटन जो है वो मैं टकिंग करता हूँ, ये आ गया जी, कूल लग रहे हो। हाँ कूल लग रहे, कूल अच्छा ये कलर प्यारा लग रहा है। अच्छा ये कैसा वो मल्टी टैलेंटेड कलर है, सबके साथ सूट कर रहा है, वाइट ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये जी तीसरा ऑप्शन ये आ गया ठीक है, और भाई एक और ऑप्शन है जी जी। अच्छा जी ये कह लें कि फाइनल जो है ना लुक हमारे पास ये है, एक ये भी है, थोड़ा सा बेसिक क्या कहते हैं लॉन्ग कोट कहते हैं इसको, हम शॉर्ट शेरवानी कहेंगे, ओपन शेरवानी कहेंगे, और शॉर्ट शेरवानी। चार ऑप्शन आपको दिखा दी, वेस्टकोट आ गई वो वाली, उसके अलावा वो और आई गेस मेहरून वाला भी आ गया। व्हाट्स योर, ये भी ठीक लग रहा है, व्हाट्स योर ओपिनियन, लाइट मुझे बहुत प्यारा लगा ये कलर आप पे, बहुत सूट कर रहा है, इसके साथ बहुत ज्यादा मैच कर रहा है ठीक है, बिल्कुल। और मुझे जो पसंद है ना थोड़ा सा कम्फी उस तरह है, तो ऑब्वियस बात है मेरे तो साइज का बनेगा, ये निकाह वाली फीलिंग भी दे रहा है। जन्मत चले चले, आई थिंक दिस इज अ गुड ऑप्शन। ये चार ऑप्शन है जी ठीक है, अभी कमेंट सेक्शन में आप बता दें कि क्या अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा देखना और है, डिजाइनर भाई का देखना और है, और जो आप लोग देख रहे हैं तीसरी आंख से वो देखना और है। बताएं कौन सा होना चाहिए फाइनल, फिर हम सलमान भाई से डिस्कस करके उसको फाइनल करते हैं ठीक है भाई। ठीक है पापा, ओके जी फिटिंग वगैरह दे दी है, अब देखते हैं क्या फाइनल होता है और कैसा एक्सपीरियंस रहता है। वैसे काम तो भाई का बहुत अच्छा, जो मेरे प्यारे प्यारे कपड़े हैं और जो मेरे साइज के नहीं थे मुझे वो भी इतने कंफर्टेबल लगते थे, जब मेरे साइज के बनेंगे तो फिर तो क्या ही बात होगी। और दूसरी बात ये रही कि अब हम जा रहे हैं शूज के लिए, भाई ने एक शू जो ब्रांड है वो सजेस्ट किया और है भी यहीं पास ही है, चलते हैं वो भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर हमने कार्ड का भी कोई हिसाब किताब लगाना है। ये लो रात हो गई है, हमने क्या ही काम करने हैं, दोपहर को निकले थे, अभी सिर्फ ड्रेस फाइनल हुआ है ठीक है, फाइनल नहीं हुआ, फिटिंग वगैरह दी है और रात हो गई है। अपनी गाड़ी इधर ही खड़ी है, सलमान भाई की गाड़ी में चलते हैं। A few moments later.
बूम। अच्छा जी, अब सीन ऐसे है कि जहां हम गए थे शूज के लिए वो शॉप बंद है। उन्हें कॉल की तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसकी वजह से शॉप उन्होंने बंद की हुई है। सलमान भाई ने अपनी जिम्मेदारी ले ली है। बहुत ही नाइस आदमी है, डिजाइनर है, डिजाइनर्स के भाई एटीट्यूड ईमान नहीं होते ऐसे ही भाई। हाँ, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से बात की उन्होंने। और काम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात के काम बहुत अच्छा था उनका। अब जब चीज फाइनल होके आएगी तब वो भी आपको दिखा देंगे। और अभी हमने ढूंढना है शूज का, आपको बता दूं तो शूज की जिम्मेदारी सलमान भाई की है। सलमान भाई हमें कोई ना कोई फिगर आउट करके देंगे जो कि हमारे ड्रेस के साथ अच्छा भी लगे। देखने को मैं खुद भी देख सकता हूं, लेकिन अब जाहिर बात है जिन्होंने ड्रेस बनाया है इतना एक्सपेंसिव ड्रेस रहा है उसके बाद ये कि इतनी मेहनत लगनी उनकी, तो वो चाहते हैं कि शूज उसके साथ कोई परफेक्ट हो, तो वो खुद देख लेंगे। अब हमारा काम है कार्ड का, ग्राफिक डिजाइनर को बंदा ढूंढना है जो कि हमें फटाफट कार्ड बना के दे। ऑब्वियस बात है उसके ऊपर भी टाइम लगेगा, तो अभी मेरा ख्याल है ग्राफिक डिजाइनर ढूंढते भाई, है ना। साइंस की और निकालो ना, पहले इसको दिखाते। अच्छा जी, अभी हम आ गए हैं एक मार्केट में जहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर हमारे भाई एक बैठे हुए हैं। क्या हाल है भाई, ठीक ठाक है जी, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, कोई डिजाइन दिखाए, पहली बार निकाला होता मेरा ना। अच्छा। मुझे नहीं पता क्या होता है, कैसे करते हैं। हाँ, एक दफ़े करना है इंशाल्लाह। ये सारे डिजाइन आ रहे हैं हमारे पास, अभी यहाँ से कुछ सेलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर नाम वगैरह लिखवाते हैं, डेट वगैरह, उसके अलावा फिर वेन्यू और रोटी टुकर कहाँ पे है वो भी लिखवाते हैं। सारा कुछ लिखवा के उसका PDF ले लेंगे, PDF लेके फिर सबको सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पे और आप लोगों को भी दिखा देंगे। अच्छा भाई, 15-20 मिनट की मेहनत के बाद हमने एक जो डिज़ाइन है वो फाइनल किया। मैं आपको उसका जो स्ट्रक्चर है पहले वो दिखा देता हूँ। ये देखें, ये प्यारी सी मस्जिद बनी है और मस्जिद के आगे ये जा रहा है साइकिल पर लेके। मैं साइकिल पर नहीं जाऊँगा, मैं तो गाड़ी पर ही जाऊँगा, लेकिन ये है कि मुझे अच्छा लगा ये। अब इसके ऊपर सारी राइटिंग वगैरह करवा लेते हैं, वो भी गूगल से ही देखनी पड़ेगी। मनु की पता उन निकाह कार की लिखी था की नहीं लिखी था भैया को पता नहीं, भाई का भी निकाह नहीं हुआ, साइकिल साहब का भी नहीं हुआ, तो गूगल से देखना पड़ेगा। सबसे पहले ऊपर बिस्मिल्लाह लिखते हैं, उसके बाद नाम वगैरह और फिर बकाया देखते हैं गूगल से क्या क्या लिखना पड़ता है ऊपर। हाँ, बड़े स्यापे वाला काम है भाई। क्यों, बहुत टाइम लग गया, पौना घंटा लग गया भाई कार्ड बनाते बनाते। आपको दिखा देते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान, ये कार्ड है जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, निकाह सेरेमनी, मिस्टर एंड मिसेज मोहम्मद अफजल भट्ट जो कि अपने वालिद साहब हैं और साथ अपनी वालिदा, ठीक है। रिक्वेस्ट द ऑनर ऑफ योर प्रेजेंस ऑन द ओकेजन ऑफ निकाह सेरेमनी ऑफ आवर सन रजब अली विद, आगे आपकी भाभी का नाम आ जाएगा, और डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेज असद हुसैन, ये आपकी भाभी के पेरेंट्स आ गए। इंशाल्लाह ऑन नीचे आ जाएगा दिन और डेट आ जाएगी, वेन्यू की जगह पे सारा जो हमारा लोकेशन है जहाँ पे निकाह होना है वो आ जाएगा, उसके बाद टाइम 1 बजे का और कॉन्टेक्ट नंबर पे मेरा नंबर आ जाएगा। तो ये है जी हमारा कार्ड, ठीक है। फैमिली मेम्बर कहता ही नहीं, समझता भी हूँ तो खुद दिखाना था ना आपको कार्ड, इसलिए ये हो गया। और इसका जो है आर्टिस्ट है ये रहा इसका आर्टिस्ट, थैंक यू भाई, शुक्रिया, डन कर दें। ये जी एक कार्ड सिर्फ निकलवाया, सिर्फ एक कार्ड का प्रिंट निकलवाया है अम्मा और बाबा के लिए, बाकी सबको हमने PDF सेंड कर। आए 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 आए, ओंदिया ने मुसीबत आ मुसीबत आ तारे आ गई यार, केडिया मुसीबत आ पागल, नल खैर दी मुसीबत आएगी जो भी है। सही गल कर, खैर दी मुसीबत के वाकई मुसीबत खैर दी, अल्लाह खैर करे, बाकी नहीं खैर वाले खैर। हो गया जी प्रिंट, हो गया, चलें लेट बहुत हो गया, चलें। ये लो भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत प्यारा कार्ड बनाया आपने। आपकी दुकान कहाँ पे और क्या हिसाब था भाई, बता दें जरा। दुकान हमारी बरकत मार्केट है, जैक प्रिंटिंग के नाम से, आप किसी टाइम भी आए प्रिंटिंग की आपको ऑल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। बाकी ये नंबर वगैरह सारे पीछे लिखे हुए हैं, ऐसे ही रैंडम ही मैं आया हूँ, भाई ने कार्ड अच्छा बनाया तो मैं कहा चलो भाई को शाउट आउट दे देते हैं। मेहरबानी भजन, शुक्रिया। और आप एक मशवरा दे रहे थे मुझे आगे शादी से रिलेटेड, क्या कहना चाह रहे थे आप, बताना जरा दोबारा। बस जाओ, जितने अच्छे दिन गुजारने हैं गुजार लो पहले। मैं अगे बहुत दौड़ ला ली है, बहुत दौड़ ला ली थी, हूं मैं फटा गया, अल्लाह खैर करेगा। हूँ भागे, अभी भी भागे, मौका है नहीं, अब मौका नहीं है, अब माँ बाप मेरे आगे हैं, माँ बाप के अलावा और कोई हिला नहीं सकता, उन्होंने हिला दिया, अल्लाह खैर करेगा। मेहरबानी भाई जन, शुक्रिया भाई, आपका भी शुक्रिया, थैंक यू, बिस्मिल्लाह। ओके, तो मेरी फैमिली आज दो काम हमारे और हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक दो काम ही और रह गए हैं जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट मेना मेन जो काम है वो है आपकी भाभी की अंगूठी। तो इंशाल्लाह कल या परसों हम जाके, नहीं नहीं कल नहीं, कल क्या, कल हम जाएंगे इंशाल्लाह इस्लामाबाद या मरी का ट्रिप मार के आते हैं। हाँ जी, खैर ही है आपका माशाल्लाह से आगे निकाह हो जाना, कोई एक आधा ट्रिप होना चाहिए पहले। अच्छा, और साथ आपके 300K की सेलिब्रेशन भी हो जाए आपके। आप क्या लगाई हुई है, हम सब के हुए हैं, तुम्हारे मेरे हमारे सारे, हमारे सारे फैमिली मेंबर, जिसने सब्सक्राइब किया वो हमारा फैमिली मेंबर है, जो देखता भी है वो भी फैमिली मेंबर ही है। अच्छा अच्छा, ये भी कंफर्म नहीं है, शायद हम जाएं शायद हम ना जाएं, शायद नहीं जाएंगे हम, बस यार जाएंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा खैर, ठीक है, अभी हम निकलते हैं घर को, हमने जो एक कार्ड प्रिंट करवाया है वो सिर्फ अम्मा और बाबा के लिए करवाया, उनको जाके दिखाते हैं और उनका रिएक्शन नोट करते हैं, उसके बाद व्लॉग को एंड करेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है,
पापा जी सर्दी लग रही है, हाथ आपने नीचे लिए हैं। यार कितनी तेज नजर है यार। मैं मम्मा जी काम करने से भाई फिटिंग्स देके आया हूँ, ठीक है, और बड़ा ही प्यारे डिजाइनर है जिनको देके आया हूँ। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा ड्रेस। और फिर वो एक और काम था, बताऊं ये आपके लिए लाया हूँ मैं। ले पहले देख तो लो क्या है। क्या है क्या है क्या? अच्छा अच्छा एक मिनट क्या है ये आपके नका का कान है? आपको कैसे पता? आपने देखा मुझे अभी पता चल गया, मुझे पता चल गया। पापा जी नका का कान क्या है? टाइम आ गया है, उनको यही तो इंतजार था कान है कब है। अली दा पहला नंबर, अली दम दम दे अंदर। करोड़ करोड़ शुक्र मेरे मालिक, हर माँ बाप अपने बच्चे की खुशी ऐसे ही देख रहे, जिस तरह असि दोनों देख रहे मोरा। तेरा करोड़ शुक्र मेरे मालिक, तेरा करोड़ शुक्र। सुमा अमीन जफी बहुत यार, क्या प्यारा स्टेप लाया तुसी। हां एक ही फेर करना, एक ही फेर करना, एक ही फेर करना, दबा दम मस्त कलंदर। अच्छा जी अब काम रह गया है हमारा अंगूठी का, और मेरा ख्याल है एक बार चक्कर लगा के आना है जहाँ पर हमारा वेन्यू ऐसी है। बेशक ऐसी है, ठीक है। और अब कार्ड जो है हमने पीडीएफ टू पीडीएफ सारे फॉरवर्ड करने हैं, सिर्फ आपके लिए मैं एक प्रिंटर निकलवा के लाया हूँ, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। जी ये दो तैयारियां भी आज कंप्लीट हो गई। अम्मा का रिएक्शन, अच्छा हमने रिकॉर्ड करा था अम्मा का रिएक्शन, अच्छा वाला जो रिएक्शन रिकॉर्ड हो गया वो अम्मा बाबा का हो गया। बाबा का रिएक्शन सही रिकॉर्ड हो गया। बाबा दिन घंटे गिन रहे कौन सा वक्त है कि मैं अपने बेटे की खुशी देखूं। आमीन सुम्मा। इस एज में ना बंदे को होता है अल्लाह पाक फटाफट अपने बच्चों को हम हंसता खुश अपने घरों में देख ले, शुक्र ये सबसे बड़ी ख्वाहिश माँ बाप की होती। हालांकि मुझे लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई बच जाओ, लेकिन अब कोई बात नहीं। वो प्रिंटर कह रहा है, प्रिंटर ने जैसे करवाई नहीं डिजिटल, ये निकाह का सारा लिखवाया, कहता भाई बच जाओ ना करवाओ, टाइम है अभी भी। कसम से यही कहा मैंने। अच्छा जी खैर व्लॉग को एंड करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल सीन हो रहा है। मामा जी ममानो, यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल सीन हो रहा है, व्लॉग करते हैं यहाँ पर एंड। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो और जो अभी इसने गाड़ी में बैठ के बात की है वो सुबह देखते हैं वो काम पक्का होएगा, पता नहीं होता कि नहीं होता। सामने में जो कोई बैठे हुए हैं ना, इनसे भी बात करनी है, ठीक है, नाल ही कच्चा हो गया, इनसे भी पूछ लेते हैं। व्लॉग करते हैं यहाँ पर एंड। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा और कैसा नहीं लगा, और कार्ड कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, होती है मुलाकात कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।